अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा, रतन होटल के बाहर खड़ा परेशान नजर आता है। मैनेजर के पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। वेटर को कमरे में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिलती है। सीआईडी वहाँ छानबीन करने पहुँचती है, जहाँ उन्हें टाइपराइटर पर टाइप की हुई एक आत्महत्या की चिट्ठी मिलती है। अंदाजे से ये पता चलता है कि उन्होंने शराब में नींद की गोलियां डालकर आत्महत्या की है। तभी उन्हें अखबार की कटिंग मिलती है, जिसमें लड़की के टेलीफोन का नंबर छिपा हुआ है। लड़की की माँ, भाई और ऑफिस के स्टाफ को जब पता चलता है तो वो लाश को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस के डॉक्टर का कहना है कि मौत शराब में नींद की गोलियां डालकर खाने की वजह से हुई है। लड़के ने 2 या 3 पैक शराब पी थी, जबकि लड़की ने शराब पी ही नहीं। सीआईडी परेशान है कि जब वेटर ने शराब की बोतल दी थी तो वो पूरी भरी हुई थी और सील बंद थी, तो बाकी की शराब किसने पी होगी। फिर से छानबीन का सिलसिला शुरू होता है और पता चलता है कि उन दोनों के साथ कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, पर ग्लास पर से उंगलियों के निशान गायब थे। अब सीआईडी को उस तीसरे आदमी की तलाश है। रतन सीआईडी को ऑफिस में देखकर निकल जाता है। होटल के नाइट क्लर्क से पता चलता है कि खून होने से पहले होटल में लड़की का भाई मधु आया था, जबकि मधु ने पहले ही कहा था कि वो होटल गया ही नहीं। अब सीआईडी को मधु की तलाश है। देखिए इससे आगे। उठो मधु, उठो, अपना जुर्म कबूल करो और फिर सो जाना। इतनी बार मैं कह चुका हूँ, मैंने संध्या और अविनाश का खून नहीं किया। नहीं, सब जानते हैं कि तुम अपनी बहन की कमाई पर जीते थे और इसलिए उसकी शादी के खिलाफ भी थे। उस रात तुम उनके होटल में गए उनकी मौत के सिर्फ 1 घंटा पहले। गया था, जरूर गया था मैं, और इतना गुस्से में था कि मैं शायद उन दोनों का खून भी कर सकता था। मेरा विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया। अच्छा तो फिर क्या किया तुमने? मैंने संध्या को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी, रोने लगी, बहन होने की दुहाई देने लगी अपनी, कहने लगी कल मेरी शादी है, तुम्हें कन्यादान। तो मैं बताओ, मैं ऐसे में क्या करता? खून कर देता मैं दोनों का। मैंने संध्या को झटक कर परे किया और अविनाश को मैं धमका कर चलाया कि कल फिर आऊंगा और देखता हूं तुम कैसे शादी करते हो मेरी बहन से। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? काफी देर हो चुकी है तुम्हें, तुम्हें तो तलब होने लगी होगी एक ड्रिंक पीने की। मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए एक ग्लास, जी भर के पियो। और मुझे सब सच सच बताओ। लो पियो। नो, मैं पीता नहीं। शर्माओ नहीं, मैं सब जानता हूं। तुम्हें शराब और जुए का कितना शौक? नहीं, मैं पहले पीता था लेकिन अब नहीं पीता हूं। सॉरी। हाँ तुम पीते हो, लो पियो। उस रात की तरह जिस रात तुम संध्या और अविनाश के साथ बैठे थे उनके होटल में, आधी बोतल शराब पी गए थे तुम और फिर उनके ग्लास में नींद की गोलियां डाली थी, लो पियो। मैंने शराब पी थी? हाँ पी थी, क्यों भूल गए? पूरी आधी बोतल पी गए थे तुम? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि मैं पहले पीता था लेकिन 6 महीने से मेरा लीवर खराब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं 1 पैग भी पीऊंगा तो मर जाऊंगा। आप मेरा चेकअप करवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। शराब पीना मेरे लिए बिल्कुल मना है, अगर मैंने ये गिलास पी लिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है,
मैं पीकर दिखाता हूं। मेरी मौत से शायद आपको विश्वास हो जाए कि मैं अपनी बहन का कातिल नहीं हूं। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट है मधु के लीवर के बारे में। अच्छा सर, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मधु का लीवर इतना खराब हो चुका है, आधी बॉटल शराब तो क्या, अगर एक पेग भी वो पिएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। सर, अगर हम ये मान लेते कि ये मधु कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन हो सकता है? क्योंकि होटल का रिसेप्शनिस्ट भी कह रहा था कि उस रात मधु के अलावा उसके सामने कोई ऊपर गया ही नहीं। कोई तो ऊपर गया होगा, खून क्या अपने आप हो गए? खून होने के बाद कौन कौन लोग होटल का कमरा छोड़कर गए उनके बारे में पूछताछ की तुमने? यस सर। तो फिर 14 लोग थे जिन्होंने उस दिन होटल छोड़ा, उनमें से 13 हमें मिल चुके, मगर सर किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ। 14 आदमी? सर ये होटल का रजिस्टर है, उस 14वें गेस्ट का नाम है मिस्टर नायडू, मद्रास से। सर उसने पता ठीक से लिखा नहीं था, इसलिए मद्रास पुलिस अब तक उससे बात नहीं कर सकी। सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, संध्या और अविनाश का कमरा दूसरे माले पर था और इस आदमी का कमरा उनके कमरे के ऊपर तीसरे माले पर था। तीसरे माले पर यह आदमी हमारे काम का हो सकता है, लगता है यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें फिर से ऑफिस में इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी। संध्या के सब दोस्त वगैरह वही हैं, मुझे लगता है इस आदमी के बारे में हमें वहीं से कुछ पता चल जाएगा। मैं तो दिल्ली में था, पूरे एक हफ्ते वहीं था, ऑफिस का ही काम था। अच्छा, और आप? जी मैं? मेरे पापा का ऑपरेशन था, मैं उन्हीं के साथ में थी हॉस्पिटल में। सर मैं तो अपने दोस्त के घर था, उसकी पार्टी में। क्या तुम ये सब साबित कर सकते हो? वीरेंद्र बाद में इनकी बातों को चेक करना कि वाकई ये तीनों संध्या के शादी में गए थे या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस रात ये तीनों संध्या से नहीं मिले तो फिर कौन मिला उसे? एक बात है सर, पता नहीं आपसे कहनी चाहिए या नहीं, और हो सकता है उससे कोई फायदा भी ना हो, पर करीब 6 महीने पहले संध्या ने इसी ऑफिस के एक आदमी की मुझसे शिकायत की थी, रतन की, कि वो उसे काफी परेशान करता है। परेशान करता था कैसे? हाँ सर, संध्या ने इस बात का जिक्र मुझसे भी किया था कि रतन उसको बार बार ऑफिस के बाहर मिलना चाहता था, और एक दो बार तो उसने उसे बुलाया भी था, वो उसके घर पे फोन भी करता था। संध्या ने उसे समझाया भी, मना भी किया, लेकिन वो माना ही नहीं। जब संध्या ने रतन की शिकायत की तो आपने क्या किया? मैंने रतन को समझाया, वार्निंग दी, उसके बाद संध्या ने शायद कभी उसकी शिकायत नहीं। ये रतन अब कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम है सर, उस दिन भी जब आप ऑफिस में आए थे तो रतन अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहा था, ऑफिस से घर भी जल्दी चला गया, उस दिन से आज तक वापस नहीं आया। और एक अजीब बात सर, जब मैंने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि जिस दिन संध्या अविनाश का खून हुआ था उस दिन और उसके अगले दिन रतन ऑफिस आया ही नहीं था। अरे हाँ, अब याद आया, जिस दिन संध्या ने मुझे फोन किया था अपनी शादी में बुलाने के लिए, उसका फोन मैंने यही लिया था और रतन वहां बैठा था, शायद उसने सारी बातें सुन ली होंगी। तुम्हारे पास रतन का पता होगा? मुझे नहीं। आप रतन के मकान मालिक हैं और आपको ये पता नहीं वो कहाँ है? मैंने कहा ना, 2 दिन से वो घर पे नहीं आया। घर पे नहीं आया? जी। जी, यहाँ से कुछ सामान लेकर गया है? पता नहीं, रोज की तरह सुबह घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। आप तो आदत सी बन गई उसे रात रात घर से गायब रहने की। रतन को शराब पीने की आदत थी? आदत? बहुत बड़ी लत थी जी, बहुत बड़ी। यही तो करता था वो, जब भी घर पे रहता दिन भर इस कमरे में शराब पीता रहता, न जाने क्या गम था उसे। वीरेंद्र ये देखो,
सर मुझे लगता है हमें वो तीसरा आदमी मिल गया। सर हमने संध्या के बॉस प्रकाश का बयान चेक किया। ठीक है ये सब ठीक है। वो खून के दौरान दिल्ली में था। हमने उसके दिल्ली के आने जाने के प्लेन के टिकट्स भी चेक किए। सब ठीक है। और सतीश और आशा? सर वो दोनों भी सच बोल रहे थे। सर मुझे लगता है कि ये तीनों खून की रात संध्या के होटल के आसपास भी नहीं थे। और अब वैसे भी ये बात तो साफ हो गई है कि रतन ही कातिल है। बस एक बार हमें वो मिल जाए। मैंने सभी पुलिस स्टेशन को खबर कर दिया उसके हुलिये के बारे में, यहां तक कि उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी दे दिया, MHE 012073। सर इस वक्त सारे शहर की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे ये शटर कैसे खुला हुआ है? कौन है अंदर? कौन है? कौन है अंदर? अरे मैं बोल रहा हूं कौन है? अरे ये आदमी अंदर क्या कर रहा है? और ये शराब की बोतल कौन है भाई? ओ भाई कौन हो तुम? कौन हो? खून खून पुलिस। सर रतन की बॉडी हमें एक वीरान मिल के गोदाम में से मिली। इतनी बड़ी मिल खाली पड़ी और वहां पर वॉचमैन भी एक दो ही है। मुझे लगता है कि ये वहां पर एक दो दिन से छुपा हुआ था। इसकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे अविनाश और संध्या की हुई थी। इसके पेट से भी नींद की गोलियां और शराब बरामद हुई हैं। मतलब और एक सुसाइड हो सकता है। और उसकी जेब से ये नोट मिला। मैं संध्या से प्यार करता था और जब मैंने सुना कि संध्या और अविनाश शादी करने वाले हैं तो मैंने उन्हें मार डाला। Now I have no reason to live. मैं भी अपनी जान ले लूंगा। I am taking my own life, रतन। सर, शायद रतन पहले से जानता था कि हम उस तक पहुंचने ही वाले, इसलिए उसने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अब ये केस की फाइल हम बंद कर सकते हैं। वो तीसरा आदमी रतन ही है। लगता तो यही है। फिर भी हम ये लिखाई चेक करेंगे। ऐसा करो तुम रतन के ऑफिस जाओ और उसका लिखा हुआ कोई पेपर लेकर आओ। हम इस लेटर को उस पेपर के साथ मिलाकर देखेंगे। क्या रतन ने आत्महत्या कर ली है? जी। हे भगवान, एक और आदमी की जान चली गई। आपको रतन की लिखाई का नमूना चाहिए ना? जी। सतीश रतन के ड्रॉर में एक्सपोर्ट्स की फाइल नजर देना। ये हमारे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है जो रतन के हाथ की ही बनाई हुई है। ये ठीक है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि रतन ने जो आत्महत्या का लेटर छोड़ा है वो उसी ने लिखा है या फिर किसी और ने। ये देखो इस वाई के लूप को देखो, मतलब मोड़ को देखो। और यहां इस वाई के मोड़ को देखो, मिलते हैं। उसी तरह इसकी की डंडी को देखो कैसे क्रॉस किया, देखो। और यहां इसकी को भी वैसे ही क्रॉस किया। वैसे इस आई को देखो, इस आय को देखो, बिल्कुल एक जैसे। ऐसे इसमें और 20 बातें हैं जिससे यह पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही आदमी ने लिखी। मैं भी तो यही कह रहा था सर कि ये आत्महत्या की चिट्ठी रतन ने ही लिखी है। मामला बिल्कुल सीधा है सर। अब हम ये फाइल बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसने सिर्फ मधु को ऊपर जाने दिया, तो फिर रतन ऊपर कैसे पहुंचा और फिर खून करके वो वापस खिसका कैसे? उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा कैसे? सर हो सकता है कि उस रिसेप्शनिस्ट की आंख लग गई हो या फिर उस वक्त वो बाथरूम गया हो। शायद
फिर भी तुम एक काम करो, हमारे पास रतन की फोटो तो है ना? जी हाँ सर। सर ये वही फोटोज हैं जो हमें रतन के कमरे में से मिली थी, और ये है वह ऑफिस की पिकनिक वाली फोटो, और ये रहा रतन। ये फोटो तुम होटल लेकर जाओ। जी सर। उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाओ, वहां काम करने वाले लोगों को भी दिखाओ, हो सकता है उनमें से किसी ने कत्ल की रात रतन कुमार देखा। आपको खूनी का पता चल गया है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी भी जरा सा शक बाकी है। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि इनमें से संध्या के अलावा आपने किसी को भी यहां होटल में देखा है? ध्यान से देखिए। अरे ये तो वही आदमी है। वही है, आपको यकीन है? हाँ हाँ यही यही। इसका मतलब है होनी यही है। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, संध्या और अविनाश के खूनी का पता चल गया है। रतन ने ही किया ना? हम रतन की फोटो लेकर होटल गए थे, वहां के स्टाफ ने उसे पहचान लिया। कत्ल की शाम रतन को उन्होंने होटल के बाहर देखा था। मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि होटल के क्लर्क ने रतन को होटल के अंदर आते हुए या होटल के बाहर जाते हुए क्यों नहीं देखा। क्योंकि गलती हमारी थी। गलती? कैसी गलती? कातिल होटल के बाहर से नहीं आया था, बल्कि वो होटल के अंदर पहले से ही मौजूद था। आइए देखते हैं कि क्या हुआ होगा। खूनी को पता चलता है कि संध्या और अविनाश दोनों होटल में, और फिर वो भी उसी होटल में एक दिन पहले ही कमरा ले लेता है और वहां रहने लग जाता है। मगर दूसरी रात जब सब अपने अपने कमरों में होते हैं, कातिल कमरा और अविनाश उसे देखकर बिल्कुल नहीं चौंकते, क्योंकि उन्होंने तो उसे शादी में बुलाया था। दोनों खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ ड्रिंक्स पीते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वो सबके लिए ड्रिंक्स बनाता है, और फिर दोनों संध्या और अविनाश मौत की गहरी नींद में सो जाते हैं। कातिल हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान मिटा देता है, अपना ग्लास साफ करके बाकी के साफ ग्लासों के साथ वापस रख देता है। कातिल वापस अपने कमरे में चला जाता है, रात भर चैन की नींद सोता है, दूसरे दिन होटल छोड़ देता है। और इसीलिए होटल के रिसेप्शनिस्ट ने रतन को ना होटल में आते हुए देखा और ना जाते हुए, क्योंकि क्योंकि खूनी पहले से ही होटल में मौजूद था। मद्रास से कोई मिस्टर नायडू होटल में ठहरे हुए थे उसी दिन, जिन्हें हम ढूंढ नहीं सके, और कातिल वही मिस्टर नायडू था। इसका मतलब रतन ने ही मिस्टर नायडू के नाम से होटल में कमरा लिया था। हम रतन की एक फोटो लेकर होटल में गए ताकि होटल का स्टाफ उसे पहचान सके, और उन्होंने उसे एकदम पहचान लिया, एक सेकंड में उसे पहचान लिया। नायडू, हम रतन की एक फोटो लेकर होटल में गए ताकि होटल का स्टाफ उसे पहचान सके, और उन्होंने उसे एकदम पहचान लिया, एक सेकंड में उसे पहचान लिया। नायडू, संध्या और अविनाश का कातिल पकड़ा गया। नायडू, पकड़ा गया। नायडू, नायडू पकड़ा गया। ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो उस वक्त दिल्ली में था। हाँ तुम दिल्ली गए जरूर, मगर अगली फ्लाइट से मुंबई वापस। और यहाँ होटल अमेज़न में कमरा लेकर रहने लगे। संध्या और अविनाश का खून करने के बाद तुम अगली सुबह दिल्ली वापस चले गए, वहां अपना काम खत्म किया और वापस मुंबई। तुम दिल्ली के जिस होटल में ठहरे थे वहां हमने पूछताछ की, तुम 3 दिनों के लिए होटल से गायब थे। नहीं, तो सब पता चल गया। अब बताओ ये खून तुमने क्यों किए? Yeah.
नहीं करना चाहता था सर, मैं ये खून नहीं करना चाहता था। मैं संध्या से बहुत प्यार करता था सर, और अविनाश से मिलने से पहले वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसे मैंने ऑफिस में नौकरी भी दी। जब वो अविनाश से मिलने लगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद उसने मुझसे शादी करने से भी इनकार कर दिया। तो मैं आज बबूला हो गया, मैंने दोनों का खून कर दिया। और रतन, आप लोगों से बचने के लिए मुझे बेचारे रतन का भी खून करना पड़ा, और उसकी मौत को भी तुमने एक आत्महत्या बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए तो तुमने हमें चकमा दे ही दिया था प्रकाश, क्योंकि रतन के आत्महत्या की नोट की लिखाई और उसकी हैंडराइटिंग दोनों मिलती थी, क्योंकि वो दोनों ही पेपर तुमने लिखे थे। हाँ, रतन की आत्महत्या की चिट्ठी भी मैंने ही लिखी, और जो पेपर मैंने आपको ऑफिस में दिया था वो भी मेरे हाथ का ही लिखा हुआ था। इसीलिए हमें लगा कि रतन ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारा प्लान अच्छा था प्रकाश। संध्या, अविनाश और रतन के खून के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सीआईडी के अगले एपिसोड में देखिए सास ससुर द्वारा सताई गई एक लड़की और उसके बाप की एक दिल को हिला देने वाली कहानी। जब बाप को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है तो वो भागकर अस्पताल पहुंचता है। वहां उसकी बेटी उसकी आंखों के आगे दम तोड़ देती है। मरने से पहले वो बताती है कि उसे उसके सास ससुर ने मिलकर जलाया है, मगर सीआईडी की तहकीकात से ये पता चलता है कि एक दिन पहले लड़की ने पुलिस को बयान दिया था कि वो अपने आप ही जल गई और किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब सीआईडी को ढूंढ निकालना है कि पिता सच बोल रहा था या लड़की। देखिए सीआईडी का अगला एपिसोड साथ दूसरे बयान का।